गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फाइव. इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर. अगेन हियर टू कंटिन्यू चैप्टर फाइव. गाइस, आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी थी स्केलेटन सिस्टम के बारे में. उसमें हमने बैकबोन, लिम्स, गर्डल्स, जॉइंट्स ये सब पढ़े थे. आज आपको स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शंस होते हैं स्केलेटन के हमारे, वो बताने वाली हूँ मैं. स्केलेटन में जो फंक्शंस होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के, द स्केलेटन सिस्टम सर्व्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है. इट प्रोवाइड्स द शेप एंड फॉर्म फॉर आवर बॉडीज, इन एडिशन टू सपोर्टिंग, प्रोटेक्टिंग, अलाउइंग बॉडीली मूवमेंट, प्रोड्यूसिंग ब्लड फॉर द बॉडी एंड स्टोरिंग मिनरल्स. ये क्या प्रोवाइड करता है? सबसे मेन तो यही है कि शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, और इसके अलावा सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट करता है बॉडी मूवमेंट जो है उनमें जो अलाउ होता है. अगर स्केलेटन सिस्टम ना हो तो बॉडी में मूवमेंट भी नहीं होगा. प्रोड्यूसिंग ब्लड फॉर द बॉडी, ब्लड प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है ये. एंड स्टोरिंग मिनरल्स, और मिनरल्स को भी स्टोर कराता है. एंड इट हैज़ 206 बोन्स. स्केलेटन सिस्टम गाइस 206 बोन्स से मिलकर बना होता है. ये आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था. Which form a rigid framework and to which the softer tissues and organs of the body are attached. हमारे जो ये framework है, इससे जो soft tissues होते हैं और organ होते हैं हमारे body के, वो इससे attached होते हैं. ऐसा तो नहीं है कि bones अलग हैं या फिर muscles और organ एक दूसरे से अलग है, नहीं, attached होते हैं एक दूसरे से. Vital organs are protected by the skeletal system. जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो स्केलेटल सिस्टम के थ्रू प्रोटेक्टेड रहते हैं. द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग स्कल. ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं कि हमारा जो ब्रेन है उसे हमारा जो स्कल है, खोपड़ी, वो प्रोटेक्ट करके रखती है. एज अ हार्ट एंड लंग्स आर एनकेस्ड बाय द स्टर्नम एंड रिब केज. जैसे हमारे हार्ट है, हमारा दिल, और हमारे लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं, तो ये रिब केज, ये रिब केज होता है हमारी पसलियाँ, और स्टर्नम में हमारी चेस्ट बोन, इनसे प्रोटेक्टेड रहता है. बॉडीली मूवमेंट इज कैरीड आउट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. अब अकेला स्केलेटल सिस्टम तो बॉडीली मूवमेंट नहीं कराता है, उसमें दोनों का इंट्रैक्शन रहता है, मसल्स का भी और स्केलेटन का भी. तो इन दोनों का जब ये एक दूसरे से इंट्रैक्ट होते हैं, मसल्स और स्केलेटन, तब हमारी बॉडी मूवमेंट करती है. बॉडी सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो. बोन मैरो क्या होता है गाइस? बोन मैरो हमारा लोकेटेड होता है बोन्स में. जैसे हमारी स्टर्नम है, हमारी जो थाइस की बोन होती है, ठीक है गाइस, जो फीमर सब लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी फीमर बोन, जो हमारी थाइस में पाई जाती है, जांग की हड्डी जो होती है, तो ये सबसे बड़ी बोन होती है. इसमें क्या पाया जाता है गाइस? बोन मैरो पाया जाता है. हमारी बैक बोन में भी बोन मैरो पाया जाता है. बोन मैरो क्या है गाइस? ये हमारे हड्डियों के अंदर पाए जाने वाला एक तरह का लिक्विड, एक तरह गुदा है. इसे हम हिंदी में बोन मैरो को गुदा कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी की जो ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है. इसीलिए हम बोन मैरो को हेमेटोपोएटिक ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि सभी तरह की सेल्स को प्रोड्यूस करवाता है. तो गाइस, जो बॉडी सेल्स है वो प्रोड्यूस होती है बाय द बोन मैरो लोकेटेड इन सम बोन्स, जो कुछ हड्डियों में प्रेजेंट होता है बोन मैरो. बोन्स सर्व एज अ स्टोरेज एरिया फॉर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हमारी हड्डियों में क्या स्टोर रहता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर रहता है, इसलिए इन्हें हड्डियों को स्टोरेज एरिया कहा जाता है मिनरल्स का, ठीक है गाइस. ये आपका स्केलेटन सिस्टम खत्म हुआ. नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका मस्कुलर सिस्टम. हम मस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे गाइस. ऑलमोस्ट हाफ द बॉडीज वेट, बॉडी का जो हाफ वेट होता है इज मसल. मसल से ही बना होता है. अगर हमारी बॉडी में 40 kg है तो 20 kg तो हमारी मसल्स ही हो जाती हैं. मसल्स आर द पार्ट ऑफ आर बॉडी दैट अलाउ अस टू मूव. मसल्स हमारी बॉडी का पार्ट है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है. द मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. टेंडन्स क्या होते हैं गाइस? दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, हमारी मसल्स को हमारी बोन्स से कनेक्ट करके रखते हैं, अटैच्ड करके रखते हैं, वो टेंडन्स होते हैं. याद रखिए गाइस, जो टेंडन्स होते हैं, टेंडन्स वो स्ट्रक्चर है जो हमारी मसल्स को हमारी बोन से अटैच करके रखता है. व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना था यहाँ पर. व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि सिकुड़ती हैं, दे पुल ऑन द टेंडन्स. ये टेंडन्स की ओर पुल करती हैं. विच पुल
ऑन द बोन्स, और टेंडन्स क्या करता है, बोन्स को पुल करता है, एंड कॉज आर लिम्स टू मूव, और हमारे लिम्स हाथ या पैर जो भी है वो मूव करने लगते हैं, इस तरीके से मूवमेंट होता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स, 600 से भी ज़्यादा हमारी मसल्स होती हैं बॉडी में, बट दे हार्डली एवर वर्क अलोन, लेकिन ये बहुत मुश्किल से अकेले वर्क करती है, अदरवाइज स्केलेटन सिस्टम के साथ ही, स्केलेटल के साथ ही मिलकर ये वर्क करती है। मसल्स कैन गेट शॉर्टर एंड इलोंगेटेड, मसल्स जो हैं वो छोटी भी हो जाती हैं और लंबी भी हो जाती हैं, बट दे कैन नॉट पुश, लेकिन ये पुश नहीं कर सकती हैं। मसल्स बैंड टुगेदर टू फॉर्म मसल्स ग्रुप, मसल्स एक दूसरे से बैंड होकर क्या मसल्स का ग्रुप बना देती हैं, विच वर्क टुगेदर, वो एक साथ वर्क करता है। मसल्स एक्शंस कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, जहाँ सिर्फ मसल्स हैं, देखिए हमारी जो टंग है, टंग में क्या है, सिर्फ मसल्स पाई जाती हैं, उसमें कोई भी बोन नहीं होती है, बोनलेस होती है। हमारा जो हार्ट है वो बोनलेस होता है, हमारे लंग्स हैं वो बोनलेस है, हमारे जो ज़्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स है गाइस वो बोनलेस ही है, ऐसा नहीं है हमारी किडनी में बोन है, हमारे लंग्स में बोन है, ठीक है गाइज, या फिर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें बोन्स हैं, बोन्स नहीं होते हैं, बोनलेस होते हैं। तो गाइज ये अकेले ही फंक्शन करते हैं, अब इनमें मसल्स एक्शन कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, और इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। सपोज ब्रीदिंग है वो खुद चलती रहती है, हार्ट बीट आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने हार्ट बीट को, लंग्स का फंक्शन वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किडनीज जो फंक्शन कर रही हैं आप वो भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आप वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स सच एज द मसल्स ऑफ हार्ट, इनवॉलेंट्री मसल्स जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, डायफ्राम है हमारा, ठीक है गाइज, एंड इंटेस्टाइन है, डायफ्राम जो हमारे लंग्स के नीचे वाला पार्ट होता है वो डायफ्राम मसल्स का बना होता है कम्प्लीट, ठीक है, वो अकेला ही मूव करता है, एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में भी कोई बोन्स वगैरह नहीं होती हैं, आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन से ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती हैं, जैसे कि मसल्स ऑफ योर आर्म्स, हमारे हाथ की जो आर्म्स हैं वो हम इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, और लेग्स की, ये हम कंट्रोल्ड बाय योर विल, हम अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें मूव करा सकते हैं। यस गाइस, तो याद रखिएगा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का डिफरेंस, वॉलेंट्री वो जो हम अपनी इच्छा के अनुसार जिनमें मूवमेंट कराते हैं, और इनवॉलेंट्री वो जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है गाइस आपका, देखिए ये इस वो दिया हुआ है, डायग्राम है यहाँ पर मसल्स का, ठीक है गाइस, ऐसे मसल्स हमारी स्किन के नीचे इस टाइप के मसल्स ही पाई जाती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये बोन से ही अटैच्ड हैं सब, ठीक है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फंक्शंस, फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के फंक्शंस देखिए गाइस अब क्या होते हैं। द इंटीग्रेटेड एक्शन ऑफ जॉइंट्स बोन्स एंड स्केलेटल मसल्स प्रोड्यूस ऑब्वियस मूवमेंट, क्या करवाते हैं ये जॉइंट्स बोन्स और स्केलेटल मसल्स आपस में मिलकर क्या कराती हैं, मूवमेंट कराती हैं, सच एज वॉकिंग एंड रनिंग, ठीक है। स्केलेटल मसल्स ऑल्सो प्रोड्यूस मोर सबटल मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द वेरियस फेशियल एक्सप्रेशन, स्केलेटल मसल्स बहुत सारे मूवमेंट भी कराती है, सबटल मूवमेंट कराती है, जिसकी वजह से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, आप सब देखते हैं चेहरे के डिफरेंट डिफरेंट काइंड से एक्सप्रेशन, हंसना रोना, हर कंडीशन में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ये सब भी मसल्स की वजह से ही होता है। आई मूवमेंट्स हैं ये भी, रेस्पिरेशन है ये भी। इन एडिशन टू मूवमेंट, मूवमेंट के अलावा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो फुलफिल्स सम अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, बहुत सारे क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जब होती है, सिकुड़ती हैं, तो बहुत ऑल्सो फुलफिल सम अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ और फंक्शंस भी फुलफिल करती हैं, सच एज पोस्चर, पोस्चर यानी कि आपके बॉडी का आप कैसे शेप बना लेते हैं, ठीक है, पोस्चर, जॉइंट स्टेबिलिटी एंड हीट प्रोडक्शन, इन सब में भी मसल्स का रोल होता है, ठीक है गाइज। फिर आता है आपका नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या है गाइस, ये जाहिर सी बात है ब्रेन, न्यूरॉन्स बात करते हैं तो हम ब्रेन का ही नेम हमारे माइंड में आता है। द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डेलिकेट ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम, पूरे बॉडी सिस्टम से सबसे ज़्यादा जो डेलिकेट माना जाता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को माना जाता है। एट द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ द ब्रेन, हमारे नर्वस सिस्टम के जो सेंटर में क्या होता है गाइस, वो ब्रेन होता है। ब्रेन क्या करता है, सेंड्स करता है एंड रिसीव करता है मैसेजेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नर्व्स का
जो नर्व्स हैं ये बारीक बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, देखने में ऐसे ही लगता है। ये इनके थ्रू क्या करता है, हमारा ब्रेन मैसेजेस को रिसीव करता है और सिग्नल्स को सेंड करता है। दिस नेटवर्क कैन बी एक्सप्लेन्ड एज सिमिलर टू अ रोड नेटवर्क, एक तरह से इसे रोड नेटवर्क की तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स, ये थोड़ा सा मोटा होता है, स्पाइनल कॉर्ड थिक होता है, बंडल ऑफ नर्व्स, नर्व्स का बहुत बड़ा गुच्छा सा होता है, विच रन्स डाउन द सेंटर ऑफ द स्पाइन, ठीक है, सेंटर ऑफ स्पाइन से ये नीचे की ओर रन करता है। दिस इज़ लाइक अ फ्री वे, जैसे एक फ्री वे होता है उस तरह से होता है। देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ फोटो में, ये दिया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से देखिए अटैच्ड है और नीचे की ओर यहाँ तक रन है, ठीक है गाइस। तो स्पाइनल कॉर्ड आपको बता दिया थिक है, बंडल ऑफ नर्व्स हैं जो इसमें ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड स्मॉलर बंचेज ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट, स्पाइनल कॉर्ड पूरे स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी ब्रांचेज आउट होती हैं, दीज आर लाइक हाईवेज, ठीक है। देखें यहाँ पर ये ब्रांचेज निकली हुई हैं इससे, येलो कलर से नर्व्स जिसे लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। ये सब कहाँ से निकली हुई हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर आपका, देखिए फ्रॉम दिस बंडल स्मॉलर बंडल्स ऑफ नर्व्स ब्रांच आउट, अब इन बंडल से भी और स्मॉलर ब्रांचेज जो हैं वो ब्रांच आउट होती हैं, दीज आर लाइक मेन रोड, जैसे मेन रोड होता है। फाइनली इंडिविजुअल नर्व्स ब्रांच आउट टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद क्या होता है, फाइनली नर्व्स जो हैं ब्रांच आउट होती हैं एवरी पार्ट, बॉडी के एवरी पार्ट में जाती हैं, दीज आर लाइक नॉर्मल रोड। तो दिस नेटवर्क ऑफ नर्व्स अलाउज द ब्रेन टू कम्युनिकेट विद एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब ये ब्रांचेस में से और ब्रांचेस निकलते निकलते बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाती है, तो इससे हमारे हर बॉडी पार्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती रहती है और हमारा ब्रेन उसे कंट्रोल करता है इसके फंक्शंस को। देखिए गाइस ये हैं ब्रांचेज हो और स्मॉलर ब्रांचेज हैं, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है मेन, स्पाइनल कॉर्ड में से देखिए नर्व्स निकल रहे हैं, नर्व में से और छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं, ये हमारे हर बॉडी पार्ट तक पहुँच जाती है। उसके बाद देखिए गाइस ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन इज कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट्स, ब्रेन हमारा तीन पार्ट से मिलकर बना है, सेरिब्रम सेरिबिलम एंड द मेडुला ओब्लोंगेटा ओब्लोंगेटा। देखिए गाइस यहाँ आप देख सकते हैं और मेडुला ओब्लोंगेटा ये रहा ग्रीन कलर से जो है, ग्रीन कलर का नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम ये रहा येलो और सेरिब्रम ऑरेंज, आप यहाँ देख सकते हैं इजीली ये तीन पार्ट यहाँ पर अच्छे से फोटो में दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है गाइस वो बना होता है थ्री पार्ट्स का, सेरिब्रम सेरिबिलम एंड द मेडुला ओब्लोंगेटा। जो सेरिबिलम है इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आप यहाँ देख भी सकते हैं सेरिब्रम जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, ठीक है गाइस, सॉरी सेरिबिलम है, सेरिबिलम सबसे ज़्यादा जो स्पेस घेरा हुआ है सेरिबिलम ने, सेरिबिलम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सॉरी ओब्लोंगेटा, द सेरिबिलम इज़ द सेरिब्रम आना था फर्स्ट में, सेरिब्रम येलो वाला सही बता दी मैं आपको, सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सेरिब्रम है, नॉट सेरिबिलम, ठीक है गाइज। सेरिब्रम ये ऑरेंज कलर से जो दिया हुआ है सेरिब्रम, ऊपर स्पेलिंग एरर हो गया है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो सेरिब्रम ये वाला पार्ट है येलो वाला, सॉरी ऑरेंज, ये सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ये है सेरिबिलम, ये जो येलो कलर से दिया हुआ है, ठीक है गाइज, येलो कलर वाला जो पार्ट है ये है सेरिबिलम, ये है क्या है गाइज, ये है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो सेरिब्रम है। ये जो ऑरेंज वाला है गाइस जो सेरिब्रम है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ लाइक विजन हियरिंग टच स्मेल टेस्ट एंड स्पीच, ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सबको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स आर मेमोरी एंड फीलिंग, ये हमारी मेमोरी और हमारी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है ये जो येलो पार्ट दिया हुआ है सेरिबिलम, सेरिबिलम ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है आफ्टर द सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद इसका नंबर आता है, ये है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट। इट फंक्शंस फॉर मसल्स कोऑर्डिनेशन, मसल्स कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करता है एंड मेंटेन नॉर्मल मसल स्टोन एंड पोस्चर, नॉर्मल मसल स्टोन को मेंटेन करता है और पोस्चर को भी हमारे, ठीक है। सेरिबिलम कोऑर्डिनेट बैलेंस ऑफ बॉडी, सेरिबिलम क्या करता है, सेरिबिलम का फंक्शन क्या है, ये बैलेंस ऑफ द बॉडी ये कोऑर्डिनेट करता है, जो आप बैलेंस खड़े रहते हैं
ठीक है, आप झुक जाते हैं, आप बैलेंस एक बना रहता है तो वो सेरिबलम कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है मेडलो ऑब्लंगेटा। मेडलो ऑब्लंगेटा इज क्लोजेस्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि देखिए मैंने आपको ऊपर पिक्चर में दिखाया था, यहीं से तो स्पाइनल कॉर्ड, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से स्टार्ट हो गई है। तो मेडलो ऑब्लंगेटा आप यहाँ देख सकते हैं, मेडलो ऑब्लंगेटा स्पाइनल कॉर्ड से ही अटैच्ड है, ठीक है। इज़ द क्लोजेस्ट टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज इन्वॉल्व विद द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर, इन सब में इसका रोल है, हार्ट बीट में, हमारी ब्रीदिंग में, सांस लेने में और ब्लड प्रेशर में। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है गाइज, इसके बारे में आपको बताती हूँ। स्पाइनल कॉर्ड रंग्स अलॉन्ग द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। डॉर्सल साइड जो हमारी बैक साइड है उसे हम डॉर्सल कहते हैं गाइज, और जो हमारी आगे की साइड है इसे हम वेंट्रल कहते हैं। तो हमारी जो बैक वाली साइड है जिसे हम डॉर्सल साइड कह रहे हैं, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पीछे, मैंने आपको पीछे में दिखाया है, अलॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड रंस अलॉन्ग द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी एंड लिंक्स द ब्रेन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे ब्रेन को हमारी पूरी बॉडी से कनेक्ट जो करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, इज टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का इस क्या होता है, जैसे पुलिंग योर हैंड ऑफ फ्रॉम अ हॉट पैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कोई गर्म चीज़ आप टच करते हैं आपका हाथ फौरन पीछे होता है बिना सोचे समझे, ठीक है। आपका ध्यान भी अगर उस तरफ नहीं है और आपका हाथ कहीं टच हो गया है किसी भी ऐसी चीज़ पर या करंट लग गया है तो आप फौरन हाथ हटा लेंगे, क्यों, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है गाइज। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों के अकॉर्डिंग, बट फिर भी आपकी कोई एरर, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो। प्लीज़ गाइज इसको ज़रूर देखें वीडियो को।